राजनीति रे मोर जमा इंटरेस्ट नहीं। इट वाज वन डेकेड बैक जोटा हेतला तापर आई एम फोकसिंग मो बिजनेस रे फोकस करछी। मोर जेते प्रोजेक्ट्स अछि एने अनदर 3 to 4 years मत लागिवो मोर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स करिया को। तो आई हैव द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर हाईएस्ट रिगार्ड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हाईएस्ट रिगार्ड्स फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा एंड आई रिस्पेक्ट ऑल पार्टीज। तो मोर किसी पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं कि पॉलिटिकल जीवार ना। दी तीन टा जिनस कहार था गोटे आम स्टार्टिंग रू जिते ज्वेलरी शोरूम आम ओपन करूँ से आम अवेयरनेस कैंपेन करूँ फॉर क्वालिटी ऑफ गोल्ड। से मार्केट 18 carat 20 carat बिक्री होता आम अवेयरनेस क्रिएट करलु कि 22 carat KDM गोल्ड से स्टार्ट होता। तापर सेकेंड फेज आसला BIS हॉलमार्क एटी सेंटर स्टार्ट ही नथला। आम दिल्ली में जाकि BIS हॉलमार्क करी एटी बिक्री करलु कैंपेन करलु कस्टमर अवेयरनेस आनलु कि BIS हॉलमार्क गोल्ड किणतु। तो एमतिया है कि इन्हें इन्हें लेटेस्ट आम कैंपेन जोटा चली ऑन मेकिंग चार्जेस जोटा आमर लास्ट केसे आम से कैंपेन कर जो ज्वेलर्स मैंने मजूरी उपरे लिखुं अप टू एत परसेंट डिस्काउंट टर्म्स एंड कंडीशन। तो आप देखिए जदि के लिखुच 80% डिस्काउंट ताके सीधा किसी ना जदि कस्टमर जाऊँ सब मजूरी 1000 टका उपरे जोटा कस्टमर मैंने भी आमको आसिक आम भी देखीचु। तो आम जो कैंपेन स्टार्ट करलु जेमेन ज्वेलरी काउंसिल एने बॉम्बे रे मो पाखे मेसेज अच्छी से मैंने यू टेकअप कर टुमरो दैट इज काली मीटिंग अच्छी बॉम्बे रे एटा को से तीन टा पॉइंट लिखिंट गोटे कि केमतिया नेशनल ज्वेलर्स आउ कि स्टेट ज्वेलर्स कस्टमर मान को मिसगाइड कर मजूरी उपरे एमतिया दु तीन टा पॉइंट्स उपरे मेन हूँ मजूरी उपरे हाउ दे आर मिसगाइडिंग द कस्टमर्स या उपरे काली नेशनल लेवल रे एटा को टेकअप कर जेमेन ज्वेलरी काउंसिल काली बॉम्बे रे। तो यही जिनस मत कहार था कस्टमर्स को अवेयर करियार था कि मेकिंग चार्जेस जो आप देखुं 80% डिस्काउंट टर्म्स कंडीशन 0% ये सब कस्टमर्स मानक मिसगाइड कराऊँ कस्टमर्स रियलिटी उपाय आसतु चेक करूँ फ्लैट मजूरी जे दूसरी विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन से किणतु जे लोएस्ट दूसरी यहाँ भल क्वेश्चन पचारे आप राजनीति में मोर जमा इंटरेस्ट नहीं। इट वाज वन डेकेड बैक जोटा होता आई एम फोकसिंग मो बिजनेस रे फोकस करछि। मोर जेते प्रोजेक्ट्स अच्छी एने अनदर 3 to 4 years मत लगे मोर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स करिया को। तो आई हैव द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर हाईएस्ट रिगार्ड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हाईएस्ट रिगार्ड्स फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा एंड आई रिस्पेक्ट ऑल पार्टीज। तो मोर किसी पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं कि पॉलिटिकल जीवार ना। मोर होटल आम गंगापड़ा आम गोटे होटल एंड रेसीडेन्स करुचु वन ऑफ इट्स काइंड से लगे टाइम 3-4 वर्ष लगे आई मुझे नेक्स्ट कहली 3 वर्ष आई एम बिजी 3 to 4 years। तापर कटक चौद्वार आमको जो जगह मिली से आम गोटे रिसोर्ट करूँ भी लगे 3 to 4 years। तो नेक्स्ट 3 to 4 years to 5 years आई एम टोटली फोकस्ड ऑन बिजनेस एंड आई एम एक्सट्रीमली बिजी विथ माय बिजनेस। आम पाखे 1200 एम्प्लॉई अच्छा सो नेक्स्ट 3 to 4 years विल हैव मोर देन 3000 एम्प्लॉज। तो आई एम बिजी फॉर दैट एंड आई एम एंजॉइंग बिजनेस। नहीं से मैंने इन्हें जो मुझे कहली मुझे आपको व्हाट्सअप फॉरवर्ड करदेवि से मैंने मीटिंग रखी काली से सबू ज्वेलर्स को डाकी आमको जो मेसेज पठाई मेंशन कर जो नेशनल लेवल प्लेयर्स ज्वेलर्स आउ किसी डोमेस्टिक ज्वेलर्स कस्टमर्स मानक मिसगाइड कर मजूरी उपरे ये जो अप टू 80% 4.9% ऑनवर्ड्स मजूरी ये सब जो मिसगाइड करमती आम सल्यूशन काढ़ा तापी आम समस्त को डाकी बॉम्बे टू कम अप विथ द सल्यूशन एंड केमती से मैंने ज्वेलरी काउनसिल विल टेक अप द मैटर जमी हॉलमार्क इंट्रोड्यूस है बिकॉज क्वालिटी ऑफ गोल्ड ज्वेलर्स मैंने चीट करते 22 carat बदल 18 carat 20 carat दूसरे। तो गवर्नमेंट BIS हॉलमार्क करदेला एने मजूरी उपरे जमी चीट कर सो वी वांट गवर्नमेंट टू टेक आउट सम रूल्स कि के मजूरी एम मिसगाइड कर कस्टमर को जोटा आम फर्स्ट टाइम स्टेप नलु। हाँ काउनसिल देव ताप काउनसिल का मीटिंग रखी
ट्रेंड किंतु दैट डजंट मीन आपको राइट मिलला टू चीट कस्टमर ना एटा चालू थला इट वाज कंटिन्यूइंग आमे दिल्ली रे शोरूम खोलू दिल्ली रे भी आम कैंपेन सेम अवेयरनेस टू कस्टमर्स मजूरी उपरे तो जोटा चल थला सेटा आमे रियलाइज करलु एटा बंद करिया को पड़ियो सो आम कैंपेन दिल्ली रे भी एटा ओडिसा रे भी एटा कि कस्टमर्स अवेयरनेस हो एंड ऑटोमेटिकली एने बिकॉज आम दिल्ली कैंपेन को जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल देखिले तो से मैंने टेकअप करले इन्हें डाकि सब ऑल ओवर इंडिया ज्वेलर्स को डाकि फॉर अ मीटिंग मत आइडिया ऑल ज्वेलर्स आर मेंबर्स मोस्ट ऑफ द ज्वेलर्स इन इंडिया छोटो हो बड़ो हो आर मेंबर्स।